हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट इन एन SN1 रिएक्शन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट अंडरगोज, इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन दिया गया है बच्चों। ए में बोला गया इन्वर्जन, बी में बोला गया रेसिमाइजेशन, सी में बोला गया रिटेंशन, डी में बोला गया है नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा बच्चों। की कॉन्सेप्ट होगा SN1 रिएक्शन। बच्चों जो SN1 रिएक्शन होता है ये टू स्टेप रिएक्शन होता है, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको कहते हैं। इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे हमारा कोई बच्चों यहाँ पर एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये R1, R2, R3 क्या है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे एल्काइल ग्रुप है। इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या करता है, यहाँ से X- जो कि एक लिविंग ग्रुप होता है बाहर चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से जुड़ जाएगा, R1, R2, R3 ये यहाँ पे होगा। अब थोड़ा बच्चों इसके मैकेनिज्म से समझेंगे तो इसके जब मैकेनिज्म से समझेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बच्चों कार्बन है, कार्बन के पास X है, R1, R2, R3। अब इस कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, तो ये कार्बन कैसा होगा, काइरल कार्बन होगा। पहला वाला स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है, यही RDS भी होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सबसे पहले धीरे धीरे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकलेगा। कार्बन यहाँ पर चार बॉन्ड बनाया है, sp3 है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर है, तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे निकलेगा। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कार्बोकेटायन बन जाएगा और X- बाहर चला जाएगा। जो कार्बोकेटायन बनेगा ये कैसा होगा, प्लेनर होगा। क्या होगा, प्लेनर होगा। ये स्टेप पहला था, कार्बोकेटायन क्या होगा, प्लेनर होगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जब प्लेनर होगा बच्चों, तो इसके पास यहाँ पे ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ये प्लेनर है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से क्या करेगा, अबव भी अटैक कर सकता है, बिलो भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है बच्चों। तो जब ये दोनों साइड से अटैक करेगा तो टू टाइप्स के यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे कुछ इस तरीके से, न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से, जब अबव अटैक करेगा तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, और जब बिलो अटैक कर देगा तो कुछ इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल इधर लग जाएगा, कार्बन R1 R2 R3 इस तरीके से लग जाएगा बच्चों। और ये भी क्या है, काइरल है यहाँ पे। तो अब ये जो हमारा है ये R हो जाएगा, ये S हो जाएगा, यानी 50-50% इनका इक्विमोलर मिक्सचर बनता है। 50% ये बनेगा R, तो 50% क्या बनेगा, S बनेगा बच्चों इस तरीके से। तो ये हमारा जो RS 50-50% बनते हैं इक्विमोलर मिक्सर, इसी को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सर, और इस प्रोसेस को बच्चों रेसिमाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन। तो इन्वर्जन हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा है, रेसिमाइजेशन हो रहा है बिल्कुल, रिटेंशन हो रहा है नहीं, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।